हेलो एवरीवन, सभी को जय हिंद। नमस्कार प्यारे दोस्तों, फाइनली बात करेंगे एक और रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे चैनल पे हर रोज़ एक से दो वीडियो अपलोड की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी भर्ती निकलती है, चाहे वो ITBP, CISF, पैरामिलिट्री फोर्सेज की हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकलती हो। फाइनली बात करें दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के बारे में 2024 की, NCSM गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट 2024 की भर्ती निकल के है। परमानेंट वैकेंसी है, 60 साल के लिए वैकेंसी निकल के आई दोस्तों, ठीक है। किस डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकल गई, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, सारी की सारी जानकारी दूंगा। क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या लास्ट डेट रहने वाली है, क्या अप्लाई डेट रहने वाली है, ओके, और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, जॉब कैसी रहने वाली, परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। सिर्फ इसमें सारी की सारी फैसिलिटी मिलेगी, क्वार्टर की फैसिलिटी मिलती है, ठीक है, रहने की फैसिलिटी मिलती है दोस्तों। ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है दोस्तों, टेक्निकल के पदों पे वैकेंसी निकल गई दोस्तों। ऑफिस अटेंडेंट की, ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है, वह टेक्निकल पदों पे भर्ती निकल के आई दोस्तों। नो फीस, SC ST PWD, ऑल स्टेट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है, ठीक है। सभी स्टेट के कैंडिडेट है इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ से भर्ती निकल के आई दोस्तों, एग्जाम कहाँ पे होगा, सारी की सारी जानकारी दूंगा, वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे देखा दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकल गई है, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भर्ती 2024 की आउट की गई है, जिसमें जो पद निकल गए दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट के पद निकल गए ग्रेड 3 के। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो वैकेंसी निकल गई है, अन्य बहुत से पदों पर वैकेंसी जो कि आउट की गई दोस्तों, सारी की सारी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पे इसकी वेबसाइट वगैरह मैंने प्रोवाइड करवा दी है दोस्तों, अगर आप वेबसाइट पे भी जाना चाहते हो तो वेबसाइट पे जा सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे देख सकते हो, 3/2024 का एडवर्टाइजमेंट नंबर है। और जॉब लोकेशन, ये 2-3 सेंटर दिए गए दोस्तों, म्यूजियम है जहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, और परमानेंट वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है, 60 साल की वैकेंसी रखी गई है। बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जो कि 14 फरवरी को रिलीज किया गया है, और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 14 फरवरी को स्टार्ट हो गया है, और इसका जो लास्ट डेट जो रखी गई है, 11 मार्च 2024 इस भर्ती की लास्ट डेट रखी गई है। बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में। अगर आप इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करोगे, अगर मान लो अगर आप जनरल कैंडिडेट है, तो आपको ₹700 फीस देना पड़ेगा, प्लस में GST ₹135 GST चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप SC ST हैं, तो ये जो वैकेंसी दोस्तों कोलकाता में निकल के है दोस्तों, ठीक है, कोलकाता म्यूजियम की है, कुछ वैकेंसी अलग की है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप जनरल OBC EWS से है, तो 750 प्लस इसमें ऐड कर लेना 135, यानी कि ₹875 हो गए आपको फीस देना पड़ेगा। SC ST को कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अप्लाई कर सकते हो। बात करेंगे इसकी एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट यहाँ पे दी गई दोस्तों, 18 से लेके 25 साल तक के कैंडिडेट हैं वो सभी इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करोगे तो आप 18 से लेकर 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए अप्लाई करोगे, 18 से लेकर 35 साल तक के स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसकी जो ऑफिस असिस्टेंट की नंबर ऑफ वैकेंसी, यहाँ पे 4 वैकेंसीज आउट की गई है, सिर्फ 10वीं पास स्टूडेंट है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, और आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। 10 मिनट में 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की वैकेंसी दोस्तों 1 वैकेंसी है, और लेवल 5 की वैकेंसी रखी गई है, जिसमें डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए 3 ईयर का इन सिविल का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको फॉर्म भर के भेजना है, किस एड्रेस पे भेजना है, ये एड्रेस दिया गया है, ठीक है। इस एड्रेस पे हाउ टू फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, जो कि आपको यहाँ पे फॉरवर्ड करना है दोस्तों। ये एड्रेस दिया गया है कोलकाता में, ये इस एड्रेस पे आपको फॉरवर्ड करना है। आप रजिस्ट्री पोस्ट कर सकते हो, स्पीड पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, इनमें से किसी भी प्रकार से आप इसके स्पीड पोस्ट कर सकते हो दोस्तों। और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है, 11 तारीख 3 महीना 2024 फ्राइडे तक आप इसका फॉर्म भर के भेज सकते हैं। और ऑल इंडिया से कैंडिडेट है वो सभी इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों के दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं गाइस। बात करेंगे दोस्तों इसमें सिलेक्शन मेथड के बारे में। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, फिर आपका स्किल टेस्ट यानी कि ट्रेड टेस्ट होने वाला है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल है वो कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है गाइस।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने ऑफिशियली नोटिफिकेशन का लिंक यहाँ पे प्राप्त करा दिया है। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन, और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी मैंने वीडियो के नीचे लिंक दे दिया है, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है AK डिफेंस अकेडमी, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे इसकी जो PDF है मिल जाएगी, यहाँ पे इसकी PDF भी देख सकते हो दोस्तों। कोलकाता से वैकेंसी आउट की है, पूरी की पूरी ओरिजिनल यहाँ पे वैकेंसीज है, आप सभी देख सकते हो। सभी कैटेगरी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एक वैकेंसी ऑफिस असिस्टेंट में SC की है, OBC की एक है, और UR की एक वैकेंसी है, और कोलकाता म्यूजियम में आपकी ये वैकेंसी निकल के आई है, ठीक है। नेशनल काउंसलर ऑफ साइंस म्यूजियम में वैकेंसी निकल के आई है दोस्तों कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक वैकेंसी UR की भी है, ठीक है, यहां पे भी देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की भी दिखाई दी है, दो वैकेंसीज यहां पे दी गई है दोस्तों। ओके, कोलकाता में ही ये वैकेंसी रहने वाली है, लाइफ टाइम 60 साल की जॉब रहने वाली दोस्तों। आप सभी इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। और एक वैकेंसी यहां पे उड़ीसा से निकल के आई UR की, किस पोस्ट की, असिस्टेंट की पोस्ट की, ठीक है। और इसमें पे लेवल भी देख सकते हो, अच्छा खासा पे लेवल दिया गया दोस्तों, मतलब कि 36,425 रुपये पर मंथ आपको मिलने वाला है इन हैंड सैलरी, ठीक है। अगर आप 10वीं पास स्टूडेंट है तो आप इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका पूरा नोटिफिकेशन है, आप सभी रीड कर सकते हो प्यारे दोस्तों, ठीक है। SC ST को 5 साल की छूट मिलने वाली है, अगर आप एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो कोई नहीं देगा आपको, हमारे चैनल पे ही आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो लास्ट डेट वगैरह मैंने आप सभी को बता ही दी है, ओके। और इस एड्रेस के नाम से ये एड्रेस दिया गया है, बैंक में जो आपका पेमेंट कटवाना है दोस्तों, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट जिसको बोलते हैं, ये इसका IFC कोड वगैरह दिया गया है, बैंक का नाम दिया गया है, ठीक है, ये सब दिया गया दोस्तों, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, तो इसका एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पे आप इसका फॉर्म भर के भेजना है, हार्ड कॉपी आपको सेंड करनी है, ठीक है, इस एड्रेस पे, ठीक है। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट हैं आज इसका फॉर्म भरिएगा, और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी मैंने वीडियो के नीचे लिंक दे दिया है, वहाँ पे आप जाके फॉर्म भर सकते हो। इसका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह दे दिया है, जाके आप लोग फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म दिया है, ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू गाइस।